हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 31st of May, मतलब हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिला है महीने में। बट हम जा रहे हैं क्लिनिक, क्लिनिक तो रोज ही जाते हैं, बट आजकल क्लिनिक जाना थोड़ा और टाइमली हो गया। आई रीच द क्लिनिक बिफोर 8 AM इन द मॉर्निंग, बिकॉज ये भाई साहब मुझे सोने नहीं देते। इनका टाइम है सुबह सोने का, अभी ये सोने की तैयारी में है। तो इनके लिए मैं क्या करता हूँ, इनके लिए मैं इनका खाना छोड़ के जाता हूँ। आई लीव हिज फेवरेट फूड, वाटर, ड्राई फूड, वेट फूड एंड वाटर। आई लीव ऑल थ्री ऑफ देम। बाकी इसके टॉयज तो इसके पास है ही, तो ये कैसे भी मैनेज कर लेता है। ऑल्सो आज इसका वेट वाला मीटिंग है, तो वेट इज गोइंग टू कम एंड सी हिम। ही इज स्टिल एबनॉर्मली लाउड। इट्स हिज फिफ्थ डे हियर, फोर्थ और फिफ्थ डे हियर। ही इज वे बेटर देन ही वॉज बिफोर। आजकल ये मुझे देखता है जो कि पहले नहीं देखता था, एंड मेरे आस पास रहने लग गया है। ही रोम्स अराउंड मी, he lets me touch him, he's grooming himself on my sofa, and now he likes to stay here more than the room that I gave him. तो ये सारे plus points हैं मेरे हिसाब से। Either ways, अभी clinic जाने का time है, तो मैं clinic जाता हूँ, clinic से वापस आता हूँ। First we have to wait for Simba to fall asleep or be tired enough to fall asleep. So I'm gonna play with him for a while, then he'll fall asleep, and then we'll go for the clinic. वरना ये परेशान रहेगा पूरा time। अभी हम बात कर रहे थे इसको सुलाने, ये जनाब ठीक 2 मिनट बाद निद्रा में पहुंच चुके हैं। चलो सिम्बा। उस दिन के बाद एक और बार ऐसा हो चुका है कि ये पूरा पूरा पेड़ गिर गया और ये सारी तारें दोबारा से कट के दोबारा से लगाई गई हैं। क्लिनिक पहुंच गया है टाइम पे। बियर्ड जिसने बिगाड़ी है उसको मैं अगली बार मैं समझाने वाला हूँ कि भाई साहब आपको जो स्टाइल पसंद है वो मत काटो। बट ईदर वे एट द क्लिनिक आई विल सी द पेशेंट्स, आई विल सी यू आफ्टर 2 hours। गुड मॉर्निंग गाइस, बैक होम एंड सिम्बा इज अवेक एंड ही इज क्राइंग। सिम्बा, 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 क्या हुआ सिम्बा? सिम्बा गन मचा दिया है चारों तरफ। ही लाइक्स वेट फूड। ड्राई वाला इसने कल गिराया था उसी का गन मचाया हुआ है। और ही हैज प्लेड अ लॉट, आई कैन सी। यार तो अभी की अपडेट ये है कि वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे वो भैया, और उसके बाद तो भाई जो आतंक मचाया ना यहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ कि सिम्बा बेड के नीचे जाके छुप गया, उनको लगा कि आसान होगा। अब सिम्बा है बेड से निकले ही ना, और सिम्बा ने इतना हुड़दंग मचाया है। सिम्बा जब बाहर निकला ना, जैसे तैसे उसको बाहर निकाला, फिर उसके बाद इन गद्दे के बीच में इसके पीछे जाके छिप गया, मतलब ये गद्दे और उसके बीच में जाके छिप गया। फिर उसको उन लोगों ने उठाया है, और उठा के ऐसे पकड़ के और चद्दर मुंह पे रख के और फिर इंजेक्शन लगाया, बिकॉज कोई और तरीका नहीं था। सैडली बहुत ही बुरा लगा है मेरे को यार, लाइक इतने से दिन में इतना अटैच हो गया हूँ मैं इससे। ही वॉज क्राइंग एंड ही वॉज सो स्केर्ड जब इंजेक्शन लग रहा था। तो सेकंड की बात है छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा भाई साहब वापस कमरे में बेड के नीचे। उसके बाद ये निकले नहीं है 5-10 मिनट तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्त लगा है, बट अभी ही इज़ फाइनली आउटसाइड। बट ही इज़ नॉट स्क्रीमिंग एंड नॉट शाउटिंग बिकॉज ही स्केर्ड एंड अ लिटल ट्रॉमेटाइज्ड। बट वैक्सीन लग गया है, और वैक्सीन के साथ इन्होंने मेरे को पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल बताया। 2 वैक्सीन लगेंगी इसमें, ट्राईकैट और ARV, मतलब एंटी रेबीज। और ट्राईकैट का शेड्यूल इसने बताया कि हर अभी लगी है तो इसके बाद हर 21 दिन में लगेगी, और एंटी रेबीज लगेगी 72 डेज के आसपास। और उन्होंने बता दिया कि इसको आप नमक और मीठा ये सब नहीं खिला सकते हैं, सीड्स वाले फ्रूट जो चोकिंग हैजर्ड है वो नहीं खिला सकते हैं, ग्रेप्स वगैरह नहीं खिलाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, इनको दही खिला सकते हो, बटर मिल्क पिला सकते हो, और डीवॉर्मिंग करना है। डीवॉर्मिंग का इन्होंने शेड्यूल बताया। अभी भाई साहब बिल्कुल एकदम शांत है, इज प्रॉब्ली स्लीपिंग आफ्टर द वैक्सीनेशन, एंड आई शुड ऑल्सो गेट सम स्लीप। तो मैं चला सोने के लिए, और जैसे ही उठेगा चिल्लाने लगेगा और मेरे को इसको एंटरटेन करना पड़ेगा, तो तब तक के लिए सो जाता हूँ। गाइज मैं तो सो के उठ गया हूँ, और सिम्बा भी सो के उठ गया है। और अभी ना छोटे छोटे कीड़े आ गए हैं घर में, तो उन्हीं को देख के भाई साहब बहुत ही फैसिनेटेड है। उनकी लाइफ के पहले कीड़े हैं ये, उन्हीं के साथ खेल रहे हैं वॉशरूम में। बस कीड़ों को ही देखे जा रहे हैं और खेल रहे हैं, तो इससे क्या होता है मुझे सुकून मिला रहता है। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। तब इसके लिए डीवॉर्मिंग वाली दवाई लेके आनी है, और इसको कैसे भी खिलानी है। अब पता नहीं कैसे पिलाना है ये नहीं समझ पा रहा। इसने मुझे देख लिया, सिम्बा कीड़े को देख लिया, फुल फोकस्ड
on the objective. चलो इसी बहाने शांत रहते हैं. So there is this ritual that he follows every night. He'll go around, roam around the house, and हर corner में जाके ये चिल्लाता है. What I feel it is his way of calling out his mother. Since it has only been 4 days, so he misses his siblings and mother. तो फिर उस वजह से I have to be here around him, even if he doesn't want. I just have to be around him and show that there is some person who is there with you right now, and he can relax. He just knows कि नीचे से हवा आ रहा है, तो ये नीचे से चिल्ला रहा है, जिधर से भी हवा आ रहा है. He just knows कि बाहर है उस साइड. Simba has finally agreed to play with me. ये इस टाइम पे बहुत एक्टिव रहता है. पहले तो he'll call out his friends, कोई और है. अगर कोई और नहीं मिलता है तो in the end he settles for me. और मेरे साथ खेल लेता है फिर. बा ओ और फिर ये मेरे सॉक्स मेरी सेंट को रिकग्नाइज कराने के लिए मैंने इसको रखा है. इट्स वन ऑफ माई गुड सॉक्स. वॉच हिम लीप लाइक अ लायन और अ टाइगर. अटैक मोड. बॉटल डीएक्टिवेटेड इट प्रॉब्ली. यस नाउ इज एक्टिवेटेड. And 1, 2, 3. Go Simba. Oh, he's planning the attack. He's waiting for the prey to settle. Yes, Simba. I think he'll fall asleep. Simba, you're supposed to attack Simba. Simba, the prey. Attack mode on hai Simba. Simba is too tired. If I bring it close, he can play now. Yes. आलस की तो हदें ही पार कर दी हैं जनाब ने आज. सुबह से अब बैठ पाए जनाब यहाँ पे हिम्मत करके. नींद आ गई बच्चे, सोना है ना अभी? थोड़ा सा खेल लें थोड़ा सा. और